सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जिंदी मरजणी ते अज पहुँचे हुए हैं असं सिंघू बॉर्डर ते। दिखा रहे हैं तस्वीर थानू, जिदा आपां नूं पता है कि किसान संघर्ष चल रहा है। 26 तरीक तो बाद बहुत अफवाहां फैलाइया जा रही हैं, चाहे वह सोशल मीडिया से भावें साडा नैशनल मीडिया, कि किसान जिहड़े हैगे आ उठ उठ के घरां नूं जा चुके आ। तुहाडे पिछे दिखा दिंदे आ साडे वीर किसान एकता जिंदाबाद फांडा खाप गांव पानीपत तो हैगे आ। आपां तुहानूं दिखालदे आं इह सिंघू बॉर्डर दीआं तस्वीरां। साडे पिछे बजुर्ग भी बैठे हरियाणे तो, आसे पासे तंबू उद्दां ही लगे हुए आ। ट्रैफिक जिहड़ा हैगा आ जिद्दां पहलां हुंदा सीगा उद्दां ही आ। चार सफेरे जिहड़े लंगर चल रहे आ उह वी सेम ही आ, कोई फर्क नहीं पिया उहनां विच। देख सकदे हो ट्रैफिक जिहड़ा हैगा आ पहलां दी तरां ही चल रहा आ। कोई इत्थे आपां कह लईए कि किसी किस्म दा इदां दा है नहीं गा सानूं देखण नूं लगा कि जिहदे नाल किसान जिहड़े हैगे आ इत्थे घट गए आ। ते जिद्दां दोस्तो आपां नूं पता आ कि गर्मियां आ चुकियां आ, ते गर्मियां दी इस गर्मी तों बचण वास्ते इंतजाम हो रहे आ। साडे पिछे जिहड़े आपां कह लईए टांडे हैगे आ, की इहनां नूं साडे बांस जिहड़े आ उन्हां दे बनाए जा रहे आ घर। तो इधरले पासे कैमरा घुमा के जे आपां देखिए तो इन्हां नूं पंजाबी दे विच मिल लख छन्ना कहिंदे हुंदे आ, क्योंकि यह जिहड़ी एक घाह फूस तो आपां नहीं कहांगे, तो इस जिहड़ी चीज़ आ इहदे नाल पानी च आपां छड्दे आ, तो बहुत ही वधिया एक एयर कंडीशनिंग वाला काम यह करदी आ। तो साडे वीर साडे बजुर्ग जिहड़े आ इह बना रहे आ। आ जाओ जी थोड़ा किधर नू, हाँ जी आ जाओ इत्थे तुहाडी नाल आपां करिए गल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ते देख के बहुत वधिया लगा कि तुसी गर्मी दीआं तैयारियां कर रहे हो। हाँ, गर्मी दी तैयारी कर रहे हां जी। इहनू की कहिंदे आ जिहड़ा उपर तुसी ला रहे हो? इह छप्पर लिआ जी इसको। हाँ जी, छप्पर। छप्पर, हाँ ठीक है। नहीं आह की हैगा यार जिहड़ा पिच पाउंदे आ तुसी? इह बांस दी पराली। पराली हैगी आ, ठीक आ। ते थानू क्यों लगा कि इह जिदा पाउणे चाहीदे छप्पर? इसे है जी अगे गर्मी आऊगी इसमें ठंड रहेगी। ठीक आ। ते इह तुहाडा ही आ जां तुसी? आपणा ही आ जी। ठीक आ, हां जी ठीक आ। ते 26 तरीक तो बाद दा जिहड़ा माहौल आ, हां जी कदों कदे तुसी इत्थे हैगे आ? असीं तां जी हुणे आए 5-4 दिन तों जी। होणा ही आ? ते पहलां नहीं आए सीगे? नहीं पहलां नहीं आए। दूसरा लड़के आया करदे सी इत्थे? बाकी परिवार आना जी। ठीक है, बनाना जी मैं सर के। अरे इसके साथ है। अच्छा, स्पेशली बनाने वास्ते आए हैं? हां ठीक है ठीक है। 3 महीने के इसी दो। ते दोस्तों कहंदे कि प्रवासी परिवार आ, ते स्पेशली यह काम जिहड़ा हैगा करन वास्ते आ। तुहाडे मैं पहले ही दसदा कि इधरले पासे भी बांस पए आ, ते आह जिहड़े आ इन्हां दा की करना तुसी? यही छन बनानी है जी। अच्छा, ते इन्हां दी वी की दस्सिया जा रहा कि छन बनूगी? हाँ जी। ते गर्मियां दी जिहड़ी गर्मी तों बचण वास्ते इह ठंडा रहिंदा आ। इदां दे होर भी तस्वीरां दोस्तों आपां तुहाडे नाल सांझियां करांगे, क्योंकि सोशल मीडिया उत्ते रौला पाया जा रहा कि किसान वापस घरां नूं चल गए आ, बॉर्डरां तों कुछ भी नहीं हैगा। ते तुहानूं दिखालदे आ ट्रैक्टर भी खड़े आ, ट्रालियां भी खड़ियां आ, लंगर पाणी भी वैसे ही चली जा रहे आ, कोई फर्क नहीं पिया। ट्रैफिक भी पहलां वांगू ही चल रहा आ, उहदे विच भी कोई फर्क नहीं पिया। देख लो दोस्तों सिंघू बॉर्डर तो लाइव तस्वीरां तुहाडे नाल आपां कर रहे हां सांझियां। अगे भी चलांगे, ते अगे जाके भी आपां होर भी तस्वीरां इदां दीआं सांझियां करांगे। ते दोस्तों जिद्दां तुहानूं दस्सिया कि सिंघू बॉर्डर ते पहुँचे हुए हां, तस्वीरां जिहड़ियां तुहाडे नाल दिखा रहे हां कि गर्मियां दीआं जिहड़ियां तैयारियां साडे किसान वीरां वल्लों कीतियां जा रहियां आ। पहलां आपां छन दिखाल के आए तुहानूं गर्मी वास्ते, ते इत्थे देख लो दोस्तों साडे किसान वीरां वल्लों एक बहुत ही वधिया उपराला कीता गया आ गर्मी तो राहत, ते एक वधिया पक्का आपां जिहनूं कह लईए मकान पा दित्ते आ साडे वीरां ने। देख लो बरांडे भी बन गए आ, उपर छत भी इदां दी पाई जिहदे नाल गर्मी ना लगे, पक्खे भी लग चुके आ, नाल दी नाल बिजली दा मीटर जिहड़ा हैगा आ उह भी लग रिहा आ। ते दूजे पासे आपां जे दिखा लईए ते एक ऑफिस एक घर बन गया आ। लाओ जी पक्खे लग गए आ, एसी भी लग गए आ। ते इहनूं कहिंदे आ एक संघर्ष। साडियां गवर्नमेंट नूं शायद इह लगदा सीगा कि किसान जिहड़े हैगे आ
दो चार दिन बैठ के चल जाएंगे तो नहीं देख लो पक्या जड़िया घर बन रहे हैं तो इधर साढ़े वीर साढ़े नौजवान हाँ जी सत श्रीकाल जी सत श्रीकाल जी तो यह उपराला जोड़ा तुम किया बहुत ही वधिया आ तो कि दिमाग में आया कि यह जिदा अपन हूँ करना चाहिए देखो ये दिमाग में आने सिर्फ दो कारण सके जो मेन ने एक तो पहला कि जो गर्मी आ रही है इतने बैठना अभी रहना आदे सू प्रबंध करना जरूरी सगा दूसरा जो मेन रीजन शायद आराम दूसरी तरह भी बैठ जाते थे कोई वड्डी गल नहीं सी बिना एसी तो पर सिर्फ एक सरकार को दिखाने का तरीका आ कि जो नैशनल मीडिया रौला पा रहा है कि किसान वापस जा रहे हैं इतने नहीं बैठे हुए सो एक पक्का कमरा बना के एसी लगा के फ्रिज लैन की सारा कुछ रखन का सिर्फ एक यही कारण सगा किसी ना किसी तरह उस तक मैसेज आए कि ये किसान वापस जाने वाले नहीं ये जो तक इन्हें मंगा नहीं मनी जाएगी इस तरह ही बैठे रहेंगे उसके लिए इन्होंने कुछ भी करना पे कोई भी इतने जो उपराले ने रहन अपने सहूलतों या पक्की तरह बैठे रहन सरकार का अपना मैसेज पहुँचाने जो भी करना पेगा वो करेंगे तो पहले तो दसो भी तुम बिलोंग कितों करते नाम थोड़ा मेरा नाम रमनप्रीत सिंह बाड़ा मैं गुरदासपुर जिले तो बिलोंग करदा जी सो असी गुरदासपुर जिले तो दीनानगर हलका है उतों असं लागू अपने पिंडा तो जिन्हें भी ने साडे नाल होर साडे आए हुए ने सारे सज्जन वो सारे असं आके इत्थे 8 दिसंबर तो बैठे हुए हाँ तो 8 दिसंबर तो लगातार असं इत्थे ही हाँ वापस नहीं गए और उदों तक बैठांगे जदों तक साडियां मंगां नहीं मन्नियां जांदियां तो कैमरा मैन कहूँगी कि इधर भी दिखा दिन चेहरे जोड़े है समाइल हैगी सारिया के चेहर के उपर साडे जेडे नाल इस खूबसूरत घर न बना रहे हैं वह वर्कर भी है तो नाल साडे वीर भी खड़े आते साडे पिछे नौजवान वो बिजली का मीटर ला लिया जहाँ के सब तो ज़्यादा चेहरे के उत्ते खूबसूरत जी समाइल हैगी पिछे भी दिखा दें इन्होंने जी फ्रिज भी लिया हुई आ तो कैमरामैन जी घुमा के दिखा दो सारिया भी आ लो जी फ्रिज भी अराइव हो चुकी आ एसी मैं थोड़ा दिखा चुकी हाँ आ गई आ फ्रिज तो दोस्तों एसी आ गया फ्रिज आ गया पक्के घर जड़े है बन रहे तो जनरेटर भी उन्होंने अपना लिया कि जो फ्रिज हैगी ना बंद हो ठंडा पानी रहे दुध की समस्या आनी है कि दुध गर्मी के खराब हो जाता सब्जियां दाल सब्जियां उन्होंने खराब होना तो इस करके पक्के इंतजाम हो रहे हैं यह एक नहीं अगे भी चलोंगे अगे भी होर इदा मैं लगता कि बहुत कुछ देखने सूँ मिलेगा तो साढ़े वीर जोड़े है खड़े साड़ी एक भैन जी इतने समाइल फेस से लैके खड़े हो गए उन्होंने भी कर दें गल हाँ जी सत श्रीकाल जी हम हिसार से आए हैं जी सर सरिया हिसार से आए हैं तो कितने दिन हो गए हम तो 2-3 दिन से आए हुए हैं जी बेटा बहू रहते हैं यहाँ बेटा जॉब करता है हमारा कुंडली में अच्छा तो आए हुए थे तो किसान भाइयों से मिलने आगे मैं कहा हम भी किसान के बच्चे हैं तो कम से कम थोड़ा हौसला तो बढ़ा के आते हैं हमारे भाई हौसला बढ़ाना चाहिए क्योंकि हौसला जो इन्होंने बढ़ाओगे तो हाँ जी होर भी बढ़िया होगा हाँ हाँ। क्योंकि हिस्ट्री क्रिएट हो रही है बिल्कुल बिल्कुल इसलिए आगे थे अभी मिलके आए हैं सभी भाइयों से कल फिर आएंगे दोपहर को कल शाम को हम वापस जाएंगे तब तक इनके साथ ही है चलो थैंक यू सो मच थैंक यू तो दोस्तों जो खुद भी नहीं जेडे साडे किसान फैमिलियां विचों आ इतने आण के रह सकते बट भैन साड़ी वांगू कहें हौसला अफजाई करने वास्ते इतने जरूर असं पहुँचे हाँ अगे चलते हाँ करते हैं होर भी तस्वीर थोड़े नाल सांझियां दोस्तों जिदा थानू पता कि असी सिंगू बॉर्डर के उपर पहुँचे हुए हैं गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं तो गर्मियों की राहत लई किसान वीर भरा जिहड़े आ उपराले कर रहे वख वख ते इधरले पासे थानू दिखा दे हाँ कि जिहड़ा एक कमरा बनाया जा रहा एक घर बनाया जा रहा आ ये भी गर्मी की राहत तो ते बहुत ही खूबसूरत जड़ा आप कह लिए घर बन रहा आ गल आप करांगे साढ़े वीरां दे नाल जड़ा इन्होंने उपराला किया होया आ ते हाँ जी कौन गल करेगा हाँ जी ते घर वाले जड़े है लभदे आ हाँ जी उन्होंने कहो बाहर नूं थोड़ा कह जाण हाँ जी ते हाँ जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल वही सब पंजाब तो पहला तो थोड़ा निघा स्वागत है ते थोड़ी आह महल देख के दिल किया कि आप सारे दोस्तों तक पहुँचाइए बहुत वधिया उपराला किया मटीरियल मैनू लगता बांस वरते आ
दिन अज गमले गुमले लावांगे पार्क बनावांगे भावे आप कह लिए कि जिन्या ठंड का मौसम सीगा बरसातां भी आईयां नहेरियां भी आईयां बहुत ही कुछ होया कोहरा भी पिया उस तो बाद आ गया हूँ गर्मी का मौसम। गर्मी बहुत ऐतकी पहला ही रब वालों स्टार्ट हो गई आ क्योंकि पिछले साल काफ़ी लेट जी गर्मी स्टार्ट हुई बट ऐतकी जी गर्मी आ बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो गई आ। इस गर्मी की राहत तो बचण वास्ते इदा के उपराले साडे किसान वीर कर रहे आ ते उम्मीद करते हैं जो फिनिश होगा फिर भी आप आवेंगे। होर की कहना चाहोगे जेडे घर बैठे ज सोशल अपना कह लिए सोशल मीडिया से गल्लां मार रहे जां आपां नैशनल मीडिया आपां जिहनूं आम भाषा विच साडे किसान वीर गोदी मीडिया सद्दे आ कहिंदे आ कि किसान उठ उठ के घरां नूं चल गए आ मोर्चे खाली हो चुके की कहना चाहोगे तुसीं देख रहे हो जी। हांजी असीं तां देख चुके तां ही तां तुहानूं असीं दिखा लैण आए आ। गोदी मीडिया दा कम इही है जी बोलणा उन्हें तो साढ़े नैगटिव गल करनी है साढ़े हक की तो गल ना पहला की है ना हूँ करनी उधरों उम्मीद लानी बेकार है। जेडे घर बैठे असं उन्होंने भी यही कहने भी घर ना बैठो आओ इतें आके जो बंदे बैठे उन्होंने हैल्प करो जे नहीं इतने रह सकते वो उतों भी हैल्प कर सकते हैं किसी भी तरह की हैल्प कर दो। हाँ जी बिल्कुल जेडे घर बैठे आ किसी कारण करके भावें वह पिछे काम कार संभालने कुछ भी आते योगदान आप दोस्तों हर तरह पा सकते हैं जिदा असी जो योगदान पा रहे हैं अपना फर्ज निभा के यह कवरेज करके थोड़े तक पहुँचाने की यह भी एक फर्ज हैगा अपना फर्ज असी इस किसान संघर्ष के पा रहे हैं तुसी भी पावो हिस्सा अपना बट सोशल मीडिया से जो अफवाहां फैलाईया जा रही उन्होंने फैलाउण का जरा गुरेज करो क्योंकि संघर्ष यह सौखा नहीं पहला तो ठंड का मौसम सीगा तो हुण जिहड़ियां गर्मी का मौसम जिहड़ा आ चुका आ इहदे विच गर्मी भी इन्हां ने हंडाणी आ ते घर बैठ के चाहे आप कह लिए कि ठंड के मौसम के रजाइयों में वड़ के तो भावें हुण एसी कमरिया में बैठ के गल्लां करनियां सौखियां बट इत्थे आण के यह टाइम जिहड़ा अपने सीने ते अपने देह के उत्ते इस अपने शरीर के उत्ते हंडाउणा बहुत ही औखा आ। ते दोस्तो अगे भी चलांगे ते तुसी कुछ कहना चाहोगे? बस ठीक है असीं कहिंदे वी आओ इत्थे देखो सारे आ गए जिहड़े नहीं हिस्सा पाउंदे उह वी बणो इत्थे संघर्ष दा हिस्सा। हाँ जी चलो थैंक यू सो मच जी बहुत वधिया लगा नैक्सट टाइम जो कंप्लीट हो गया अंदरों तो कैमरामैन कहूँगी कि बढ़ के जरा झलकी जी हैगी इस खूबसूरत घर की इस महल की उपर भी बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बिच ये कंबल पाए हुए आ। ठीक है कंबल पाउण दा की रीजन लगेगा जी? एक जो असीं पराली पाई है वह नीचे नहीं डिगोंगे ठीक है एक देखने भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों एक आप जिदा कह लिए कि सही गल आ जट जुगाड़ी होंगे तो जुगाड़ जड़े बहुत ही खूबसूरत इन्होंने लाए हुए आ तो इदा दिया खूबसूरत खूबसूरत जड़िया महल जड़े आपा लेंगे अगे भी चलते हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा तो जो फिनिश होगी जरूर चाह पानी पीवेंगे थोड़े को इधरले पास दोस्तों देख लो कूलर भी पिया आ यह जड़ियाँ आप कह लिए घर दियाँ चीज़ा जड़िया गर्मी की राहत लिया तो चलते हैं अगे। थैंक यू सो मच जी पखा भी रखा हुआ आ पखा भी लगना आ उपर छत दे हर एक चीज़ जी दोस्तों घर के आप लाई दी इतने रखी हुई आ चलते हैं अगे तो देखते हैं होर कि थां जड़िया है कि इस गर्मी तो बचने वास्ते इतने खूबसूरत आलीशान जड़े घर इस हाईवे दे उत्ते उसारे जा रहे आ क्योंकि साड़ियां सरकारां जिहड़ियां आ उह हजे अपना घुटने टेकण नूं राजी नहीं पर साडे किसान वीर भी अपना एक हक वास्ते हौसले पूरे दे नाल इदां दे आलीशान जिहड़े आ घर बसा रहे आ। चलदे आ अगे दोस्तों आ जाओ।
ते दोस्तों जिदा थानू पता आ गर्मियां आ गई आ किसानी संघर्ष भी पूरा मगिया होया आ ते थानू दिखा रहे हैं गर्मियां दियां तैयारियां साढ़े किसान वीर इस संघर्ष विच कर रहे हैं। ते पिछे मेरे एक फिर बनिया होया खूबसूरत एक शानदार महल इदा दे महल जिहड़े है कि आपां कह लईए कि जिहड़े अजकल दियां आम जिहड़ियां कोठियां घरां च पिंडां विच देखण नूं मिलदियां उहनां नूं इह पिछे छड्डदे आ। आह जिहड़ा विरसा साडा सीगा पिछला वापस इस संघर्ष ने बहुत कुछ सानूं दिखा लिया। तो जो गर्मी होंदी सीगी इदां दियां चीज़ां जिहड़ियां सानूं ठंड दिंदियां सी ते ठंड विच इह गर्म रहिंदे आ। तो साढ़े वीर बैठे आ करदे आपां उहनां दे नाल गल्लां बातां ते थोड़ा जिहा घूम जाओ तुसीं भी सारिआं दे नाल गलबात हो जूगी। तो हाँ जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तो थोड़ा खूबसूरत अंदरों तो अजे देखना आ सी बाहरों देख के दिल किया ब्रेकफास्ट कर रहे सी लंघ के गए हैं तो मैं क्या भी यह चीज़ जी है कवर करने वाली आ। कदों का बनाया हुआ है? इन्हें एक वीक हो गई जी, एक हफ्ता हो गया। कितना टाइम लगा इन बिल्ड करने? एक ही हफ्ता लगे बिल्ड करने जी। कितने जने सी? ओह पांच जने सी जी। तुसी लेबर सदी हुई सी स्पैशल बनाने वास्ते? हाँ जी। ठीक आ। तो जी हैगी बांस या कादी यह जिदा हैगी बनाते हैं? ये बांस की आ जी सारी, ये जी दीवार आते छत है बांस की आ, वो उत्ते असी पराली पा के वो उत्ते फिर तरपाल पाइए ता कि ठंडी रहे गर्म ना हो। अंदरले पासे दे मच्छरदानी घुमाती है, फिर जिमें जिमें मौसम तब्दील होगा उमें अंदर अंदर तब्दीलियाँ करते रहेंगे, पखा कूलर ए सी जो भी चलूगा जिस तरीके तक। अच्छा फिर ये मतलब हजे जिदा ना अद्धा अद्धा कंप्लीट होया तो अद्धा हजे होना है? हिसाब ना पूरा कंप्लीट है जिमें जिमें टैंपरेचर बढ़ूगा फिर उमें उमें यह चीज़ा उस तरीके ना लाई चल। ठीक आ, सही गल आ कि एक बार आप क्यों एवं खर्चा करी जो जो जरूरत पेगी तो वह चीज़ा सहूलत ला। तो उधर एक जिदा कह लिए कि बहुत ही वधिया प्रोटीन वाली एक फूड आप खा रहे हैं भी आप पिंडा में देखने मिलते होंगे सी, यह भी चीज़ा जड़ियाँ है विसर चुकी अपने तो, क्योंकि पहला तो पिंड दाने दाने भुनने वाली होंगी सी जिन्हों तो दाने भुना के लैके आते सके, तो हूँ अजक उ जेदे पिछे आप लड़ रहे हैं कि चीज़ा जड़ियाँ आ उन्होंने पैसे जिदा उन्होंने मुल जरा बहुत ही महंगी आई हो जाती है, क्योंकि यह चीज़ा भी पैकेटों में जो पैक हो के आदियाँ ऑफकोर्स इन दी वैल्यू जिदा उन्होंने सत्तों मूँह मंगी मंगनिया। इस संघर्ष विच की सीखी कि आपां जिंदगी जिहड़ी आ किदां ढालनी चाहीदी आ? इस संघर्ष दे विच आ के जी असी मतलब कि जिंदगी दे उह सबक सीखे आ जिहड़े शायद असी जे संघर्ष च ना आउंदे उह तों वांझे ही रहि जांदे। पहला इत्थे आ के ना पिंडां च जिवें तुसीं सत्त देखदे सी उह सत्त मैं सुपने च वी देखदा हुंदा सी वी साडे पिंडां च वी इह सत्त होवे। उह दो चार बजुर्ग हुंदे सी उह वक्त दे नाल इधर उधर हो जांदे सी, हुण लोकी सत्तां चों विसर गए सी। इत्थे आ के तुसीं आ साडी सत्त देखो आ लागी आ हुण पूरी शहरी दिहाड़ी के इतने घट्टो घट्ट 250-300 बंदा आ के आपकी राय दे के साड़ी सुन के जाता, वह सत्त सानू इतने मिली आ भाईचारक सांझ मिली आ जिहड़ी विसर गई सी उत्थे, क्योंकि हर एक बंदा आपके कम्मां च ही मसरूफ सी। पहला करोना ने सानू नेड़े कीता सी वह सत्त दे मैं वह प्यार दे, हुण इह संघर्ष ने इत्थे जिवें महापुरश आ जांदे आ उहनां दे सिक्ख्या सियाणे बजुर्ग आ जांदे ने उह सानू जिंदगी दा तजर्बा दसदे आ। ते आ जिहड़ा बणिया होया मेरे पिछले 10 साल तो मेरे माइंड च सी बनाउण दा, पर वक्त नहीं सी मिलता जां लग दो उस तरीके का माहौल नहीं सी तैयार होंदा, किसी ने एडवाइस देने छड्ड परे की करना, पर इत्थे आ के वो जिहड़ा उत्थे बनाउणा सी उह संघर्ष च इत्थे बणिया। जिते तक खाने की गल आ इत्थे मैं देखिया लंगर चाहे बहुत ज़्यादा लगे ने, हर एक बंदा संकोच के खाँदा घरां दे विच उही चीज़ बहुत ज़्यादा तादाद च खाने आ, बहुत संकोच के खाँदा। तो देसी खुराकों पर आ गए सारे जिवें अलसी दियां पिनियां तो स्टार्ट होए सी, बदामा तो स्टार्ट होंदे ते छोलियां तक आ गए। हाँ चलो 26 जनवरी वापस गए हाँ तो कुछ खरीदना करके वापस होना, दो दिन हुए वापस फिर आए हैं। खुराक बहुत ही जिदा आप कह लिए कि इन्ना चलना फिरना नहीं सी कि इन्नी खुराक खा हो जाती सी। तो हुण जिहड़े अपने लंगर चलते आ इन्हां दे विच तब्दीलियां आईयां कि नहीं? लंगरां दे विच तब्दीलियां नहीं आईयां लंगर, क्योंकि वक्त दे हिसाब नाल ना डाइट बदल जाती है, उन्होंने भी उस तरीके जिवें पहलां सीगी पकौड़ियां ते बहुत जोर चलदा सी उन्होंने बंद करके, हुण पहलां हॉट कॉफी सी हुण कोल्ड कॉफी चल पई, तो वह खीर बंद करके हुण उन्होंने दूसरा चौल चलाते। जिवें जिवें अपने वातावरण तब्दील हो रहा टैंपरेचर उस हिसाब नाल उहदा खाणा भी चेंज कर रहा, पर चल उस तरीके नाल रहा। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਚਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਟੈਂਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
हुण उह चीज़ां ज़्यादा खाधियां जांदियां जिन्हां दी तसीर ठंडी हुंदी आ, जिवें लस्सी चल पई बहुत ज़्यादा पहलां तो सी, पर हुण उहदे विच पाउण वालियां चीज़ां बदल गईआं। तसीर दे हिसाब नाल ही गर्मी ते सर्दी दी डाइट हर जगह ते चेंज हुंदी आ, इत्थे वी उह चेंज हो चुकी आ। लास्ट क्वेश्चन मैं तुहाडे तों पुछदी आं, फिर अंदर चल के तुहाडा महल देखदे आं। सोशल मीडिया तो इन्ना करौला पिया होया कि नौजवान जिहड़े हैगे आ संघर्ष दे विच्चों उठ के ते वापस घरां च चल गए, की कहने आ तुहानूं जां जिहड़े इदां दीआं पोस्टां पा रहे आ सोशल मीडिया ते, उहनां नूं की रिप्लाई करना चाहोगे तुसीं? मैं की गल कहनी चाहुंदा जी, उह कह रहे नौजवान ते बजुर्गां दी सोच नहीं रलदी, मैं इत्थे बिल्कुल सहमत नहीं। नौजवान ते बजुर्गां दी ही सोच रलदी आ, इह संघर्ष उहदी जागदी जिउंदी मिसाल आ। इतने नौजवान तो बजुर्ग इकट्ठे बह के इकट्ठे एक्शन की प्लैनिंग करते हैं, थोड़ी जी मिसअंडरस्टैंडिंग सी कल स्टेज नाल सी, बकायदा जो नौजवान वर्ग में तो बजुर्ग वर्ग में अलग करोंगे नहीं बनता कोई इकट्ठे ही। अज भी बजुर्गों की इतने बैठे की भी यही डिमांड आ भी नौजवानों को पंजाब आना चाहिए, तो साडा सारा का मनना भी आने उदों जो प्रोग्राम दिता, क्योंकि जी हम तो इतने बैठ के ड्यूटियां ही देनिया ने बैठे हैं। जो सरकार के खिलाफ यूनियन कोई मोर्चा देगी कोई प्लैनिंग देगी तो मैं तुम्हें यकीन दवाना 26 नालों भी वाधा आने उठ के सारे तैयार बैठे साड़ी बकायदा गल हुंदी रहिंदी है। तुसीं मेंशन कीता कि स्टेज पर जिदा मतभेद सीगे, उहदे तो की तुहाडा हैगा आ भी स्टेज वालों मतभेद सीगे नौजवानों के तां स्टेज वालियां दे, कुछ थोड़ा खुल के दस सकते हैं? बिल्कुल जी, ये यही बहुता फर्क नहीं है, एक तो ना उन्होंने उस स्टेज पर बैठ के प्लैनिंग करते, इतने विचर के नहीं करते, हुण विचरन लग गए, पहले नहीं सी विचरते, पहले उन्होंने जो आपस में बहनते उन्होंने जो चंगा लगे उही करते, इतने के लोगों की उन्नता तक राय नहीं सी पहुँचती, जो पहुँचती सी उन्होंने दूसरी अक् ना वेख लेंदे सी भी नौजवानों को तजर्बा नहीं है, कोई गल नहीं जे बजुर्ग कहते बजुर्ग थोनू नहीं पता, उन्होंने हुण पता लग गया, इतने हुण जिवें सत्तां बैठदियां साड़ियाँ मंगा भी आ हुण मन भी लेंदे ने भी ठीक है जी आई गल सही है कर लेनी चाहिए, पहला ये चीज़ का पाड़ा सी फर्क सी वो 26 तो बाद भी नज़र आया उन्होंने आप ना दोहराइए, वह पैंदा पैंदा काफ़ी पै गया सी, पर हुण उस पाड़े नूं घटाउण दे विच बहुत मदद मिलती है, उन्होंने आगू भी आउंदे आ ते उन्हां नूं दस्सिया भी जांदा भी तुसीं परवाह ना करो असीं तुहाडे पिछे आ लाओ जोर असीं खड़े हाँ, वो थोड़ी जी विचारां दी फर्क सी, वो जिहड़ी साडे विचार वो ना तक पहुँचते नहीं सी, जे पहुँचते नहीं सी ते वो तवज्जो नहीं सी दिंदे, जे पहुँचते भी सी तवज्जो नहीं सी दिंदे। तो तुसीं जिद्दां हुण इत्थे साथ एक तुसीं कहिंदे लाई आ, तो मैं कैमरामैन नूं कहूँगी घुमा के दिखा दो भी इत्थे भी नौजवान भी आ ते साडे बजुर्ग वीर भी हैगे आ, साडे वीर भी आ पिछे कैमरामैन नूं दिखा कि साडे बजुर्ग जिहड़े आ उह भी हैगे आ ते नौजवान भी आ, क्योंकि एक भमा पिंड होवे भमा जिहड़ा इह संघर्ष आ, संघर्ष साडे बजुर्गां बिना भी है नहीं गी ते नौजवानी बिना भी इह नहीं, क्योंकि बजुर्ग जिहड़े हैगे आ इस संघर्ष दे थम्म आ ते नौजवान जिहड़े हैगे आ आपां कह लईए उस थम्मां नूं थम्मण वास्ते एक पढ़िए भी आपां कह सकदे रेड़ के भी लिजाणा आ, क्योंकि हर एक वर्ग दा चाहे वह अपनियां मामा भैणां आ वह भी संघर्ष दे विच डटियां होईयां आ, तो हर एक नूं इस संघर्ष दे विच उन्ना ही आपां दर्जा देना चाहिए जिन्ना आपां कह लईए कि लफ्ज़ वरते जांदे आ कि साडे बजुर्ग हैगे आ उन्हां दीआं लत्तां भार नहीं चलदियां, साडे आगू हैगे लत्तां नहीं भार चलदियां, इदां दे लफ्ज़ जिहड़े बैठ के घरां दे विच वरतदे आ सोशल मीडिया दे उपर, की तुसीं उन्हां नूं रिप्लाई करना चाहोगे? नहीं, मैं इस मामले ते स्टेज नूं ही रिप्लाई करना चाहूँगा भी हुण वक्त आ तुहानूं दिखा देना चाहीदा भी साडियां लत्तां भी भार चलदियां ते साडे कोल हौसला भी बुलंदा ते असीं वड्डे फैसले भी लै सकदे आ, क्योंकि उन्हां नूं असीं कुछ नहीं कह सकदे, वो बेचारे साडे दर्द च शामिल ने, वो इत्थों भी संताप हंडा के गए आ, सरकारां तो हमेशा ही हंडाउंदे ने, उन्हां नूं कहिण दी लोड़ नहीं, वो भी एक उम्मीद करदे आपदे आगू तों, क्योंकि साडा विरसा जिहड़ा रहा ना साडा आगू आप मरन दी हिम्मत रखदा, जिहड़ा आप मरन दी हिम्मत रखूगा ना संघर्ष उही जित्तूगा, जे मैं तुहानूं कहिंदा भी मरना नहीं तां मतलब मैं मरन नूं तैयार नहीं, वह बैठे घरां च बैठे भी यही उम्मीद करदे आ, उन्हां दा तर्क मारन दा भी यही मतलब आ भी उठो लो फैसला असीं तुहाडे नाल, मतलब कहिण दा हैगा आ कि कि शब्द मेरा वतन हिलाउणा दिंदे आ कि इदां दे शब्द असीं वरतांगे ते उहनां नूं थोड़ी जिद्दां आपां कह लईए कि सिद्धी पंजाबी दी सुरत आ जाऊगी। बिल्कुल जी, क्योंकि जदों साडा आगू वेसला हो जाए ना तो असीं अगवाई तां उहदी च ही लड़ना, फिर असीं चाहुंदे हुंदे भी थोड़ी जिही सचज्जे ढंग नाल लड़िया जाए, साडा घर दा प्यो भी होवे ना, कई वारी ब्याह रख्या होवे ते उह बच्चे नूं कहिंदा भी आपां आ नहीं गल करनी, उह वांगू आकड़ के कहिंदा नहीं मैं करनी आ मेरी इज्जत नहीं रहिंदी जे नहीं करदे, उवें हुण साडी इज्जत नहीं रहिंदी जे असीं जित के नहीं जांदे, इस करके इहनां नूं भी थोड़ा जिहा हलूणा देणा बणदा जी, इहनां नूं इन्ना कु हलूणा लै भी लैणा चाहीदा, बहुत साथ दित्ता सी इहनां दा। सही गल आ, बिल्कुल बिल्कुल, हलूणा दित्ते बिना तां कहिंदे हुंदे आ टीसी वाले वेर भी डिगदे नहीं हैगे, उत्ते वी रोड़े मारने पैंदे आ, सही गल आ, क्योंकि जिहड़े साडे आगू हैगे आ
वह भी कुछ गलतियां करते हैं, साढ़े नौजवान भी कुछ गलतियां होंगे क्योंकि एड्डा वड्डा संघर्ष के इदा दी चीज़ा होनिया मामूली गल आ। तो इधर साढ़े आने हाँ जी, सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी बीबी। थोड़ा की नाम आ? मनजीत सिंह जी। कितों तुम? डेहड़ू पिंड खन्ना, खन्ना तहसील जिला लुधियाना। पिछे थोड़े अपा की इनू कहोगे? छन कह, छन तो नहीं हो सकती हैगी, छप्पर कहने होंने पंजाबी च। ठीक है, छप्पर कहने होंगे भाई, छप्पर बनाने। मैं तो बहुत ही खूबसूरत एक हवेली लग रही है। नहीं बीबी देखो गल आ, जो अभी संघर्ष च बैठे हाँ साढ़े लिए तो यही बहुत बड़ा कुछ, जे असी कदे सोचा भी नहीं सी बस ये इस जगह पर असी छप्पर पा के बैठा, पर मोदी ने आ सानू सारा कुछ दिखाता। मेरे समय दे विच असी बहुत संघर्ष देखे ने, उस जिहड़े संघर्ष से वह सियासी से, वह अपने अपनिया किसी कुर्सी का कोई कहता कोई लालच, पर जिहड़ा ये संघर्ष आ एक किसानी संघर्ष है, क्योंकि एक जिहड़ा बड़ा मोदी ने किसानां लई बड़ा मुसीबत खड़ी करती, खेती कानून तीन जिहड़े कानून बनाए ने अज तक किसी सरकार ने नहीं बनाए। हुण देखो पहला मक्की आ उसका भाव रखा जाता 1900 रुपये सरकारी रेट, जदों मंडिया आउंदी आ तां जिहड़े प्राइवेट आ जिहड़े अडानी अडवानी घराने ने ये मंडिया आउंदे ने, ये ढेरी देख के कह देने जी असी तां जी 800 खरीदनी आ, थोड़ा एक होर नाल हुंदा वह कहिंदा 50 पा लो। किसान इन्नी मेहनत करता, महंगे पाते खादा पाँदा, जमीन जब्तियां ते लैने सारा कुछ है, उहदे पल्ले दा पै नहीं रहा। जदों सरकार ने कणक दा भाव पहला जिवें मिथिया होया भी असी 1900 रुपये मकर करता, चाहे वह नरमा चाहे कुछ भी माड़ा मोटा उस रेट खरीदा जाता, उही जिहड़ी हुण मक्की दूई मक्की वाली तुलना ते सरकार दी नीति आ गई भी इन्हों किसानों नूं असी कमजोर करना भी इह साडे गल पैंदे पैणगे भी किवें करिए। इन्हां ने नवीं नीति जिहड़े तीन कानून बनाए भी जी असी ऐ करांगे वो करांगे, हुण साडे किसान कोल इन्हां ने 800 रुपया खरीद लैणियां डानियां बानियां ने, बेचनी कित्थे आ? जिहड़े खपतकार ने उन्हां नूं उही 2500-3000 मिलनी है, जिहड़े विचाले विचाले ने बन गए वह। पर जिन्ना चिर असी थोनू पहले भी दस्या भी असी बहुत संघर्ष देखे ने करे ने, पर जिन्ना चिर ये तीन कानून वापस नहीं होंदे, हुण तक इत्थे तकरीबन 200 तो करीब उपर साडे जिहड़े बजुर्ग ने अलविदा कह के संसार नूं, पता नहीं जी किन्ना कुछ होना, जिन्ना कुछ मर्जी हो जाए। सुनने विच आया कि अज भी एक 32 साल का नौजवान हैगा जिहड़ा उहदी एस सिंघू बॉर्डर के उत्ते वह भी शहीदी पा चुकिया आ, शहीदियां बहुत ही पा पै चुकियां आ, भावें वह टिकरी बॉर्डर होवे जां दूजे बॉर्डर जां भावें इत्थे आ, कोई भी संघर्ष हैगा उहदे विच शहीदियां आपां नूं देणियां पैंदियां, बट इह जिहड़ियां नाजायज़ शहीदियां पै रहियां आ स्पैशली नौजवानां दीआं, बजुर्गों तो आप कह दिता कि उम्र हुई सी उन्होंने अटैक आ गया जा कुछ भी सेहत पक्षों चले गए आ, पर जोड़े नौजवान हूँ 32 साल का नौजवान जरा अज जी जिन्हें शहीदी पाई है जिंद डैथ हुई आ, कि तुसी कहोगे सरकार कि तरस नहीं आ रहा कि उन्होंने मन के है कि उन्होंने दिल जे क्यों नहीं पसीजते? जो सरकार ने दिल ने वह पत्थर ने, जी अज नौजवान ने शहादत पाई है किसानी संघर्ष के विच, अगर उहदा मन दुखी से भी सानू ये मोदी सरकार आ जिहड़ी लुट रही है किसानी खत्म कर रही है भी इहदे नाल तां बेहतर यह आ भी इत्थे सानू रहण दा कोई फायदा, इहदे नाल तां आपां अलविदा कह जो, क्योंकि जिन्हें भी इस संघर्षां दे विच जिहड़ा इत्थे शहीद हुंदा अपना शरीर सड़दा उहदा सदा नाम रहिंदा। हुण मेरे वर्गा घरे बीमार होके जां जुखाम नाल मर गया उहदा 2-4 दिन भोग पा के कोई नहीं पुछदा, पर जिहड़े इस संघर्ष दे विच शहीद होणगे उहनां नूं आउण वाली पीढ़ी सदा चेते रखूगी भी साडा फलाना दद्द फलानी जगह इन्ने तरीक नूं किसानां दे संघर्ष लई उत्थे शहीद होया, क्योंकि इहदा मुल पैणा
जेड़े असं घर मर जाने यदा कोई मुल नहीं है। हूँ इतने असी बैठे हाँ सू लगता भी जिते जो जहाँ घर बैठे सारे भरा बैठे हाँ चाहे कोई कित कोई कित असं उड़ के मिलते हैं। हूँ थोड़े सामने लंगर की कोई घाट नहीं। हूँ इन्होंने कल सू फिर परखण का मौका देखा सरकार ने क्योंकि साढ़े संयुक्त मोर्चे का प्रोग्राम से भी असी सड़क जाम लाने वो असं यह शांतमई के नाल 11 तो 4 बजे तक संघर्ष कामयाब होया क्योंकि सरकार कुछ बंदे होंगे ने छड़ दें पहले असी पहला देखा पहले मोर्चों के दे देखा असी भी इन्होंने अपने बंदे छड़ देने जिवें हम असं 10 बंदे बैठे हैं इन्हें 3 बंदे छड़ देने ने उन्होंने गर्म नारे ला के शीशे तोड़ते कोई ज़्यादा नुकसान करता सरकार ने मान जी इन्होंने संघर्ष का माहौल बिगाड़ता जी ये बहुत खराब ने जी पर गुरु महाराज की कृपा के नाल अज तक जिन्ना 26 नवंबर का संघर्ष चल रहा बड़ा शांतिपूर्वक चल रहा बड़िया सरकार ने कोशिशा करिया ने 26 जनवरी जो शासन से वह भी इन्हों सारी संघर्ष को बदनाम करने लई पर यह संघर्ष 6 महीने साल 2 साल बहुत लंबे पहले भी संघर्ष चले ने जो मोदी का हंकार टुटना यह संघर्ष किसान इतों जित के जाएंगे। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। लास्ट क्वेश्चन तुम्हें पूछ रही हाँ हूँ तुम भी बैठे हाँ नौजवान भी बैठे आ जो घर होंगे पिंड होंगे इन्ना क टाइम नौजवानों के नाल बैठन का थानू मिलता से जब बहते कि नहीं बहते बिल्कुल नहीं बीबा पिंडा के भी जो देखो पहले जी अज की नौजवान पीढ़ी आ चलो ये तो बहुत सियाने ने जोड़े नौजवान ने वह सब तो सियाण तो कतराते ने वो तो मोबाइल नहीं ले गुस्से ना गल करो वो तो अपना मोबाइल लैके उ टक टक करी जाएंगे क्यों जो सियाणा बंदा बैठूगा कि सियानी गल कर हूँ इतने जोड़े नौजवान ने उस समय सियाण उड़ के मिलते हैं आओ बापू बैठो कितों आए हो सेहत ठीक है इतने जाने सियाण का जी सा नौजवान पीढ़ी है वह सत्कार कर रही है असी उन्होंने नाल थानू नहीं लगता कि कितने ना कि आप गल कह लिए कुदरत की ज आप रब की गल कर लिए कि इस सारा कुछ दे पिछे कुछ ना कुछ हैगा आ क्योंकि करोना की महामारी भी आई है उन्हें घर ताड़ दिता जानवर बाहर निकल आए सड़कों के उत्ते जिते इंसान फिरते उत्ते जानवर फिर ना पे हूँ जो आह हो रहा है हूँ जिते आह तुम बैठे हाँ तुम गल की है कि नौजवान जोड़े है पिंडा जो घर होंगे टाइम नहीं देंगे सके चाहे तो अपने मोबाइल फोन के नाल चाहे अपने दोस्तों के नाल निकल जाना थानू नहीं लगता कि कितना कितने कुछ कायनत वालों कुछ हो रहा है कुदरत वालों ये कुछ हो रहा जो कुछ हो रहा आ सारा कुछ इदा दू घर जो देखने मिलने से जो अज इतने चीज़ा देखने मिल रही आ इस संघर्ष के मिल बैठ के जिदा खाना पीना जड़िया गल् हूँ साझिया करते हुए नौजवान थोड़े ना तुम नौजवानों के नाल ये पॉसीबल नहीं सगिया तो की थोड़ा लगता है कुदरती हो रहा जी ये पिछे नहीं ये कुदरत नहीं हो रहा जी ये मोदी ने किया तो असं इतने भाईचारा इकट्ठा होया बैठने का मौका मिले अगर उन्हें जोड़े 3 कानून पास किए जो किसान विरोधी जो देखो एक बंदे रोटी की भुख नहीं उन्होंने क्यों धक्के तो खिला रहे हैं देखो जो किसान कहता भी सानू बिल मंजूर नहीं तू कह भी ठीक है भाई सू नहीं मंजूर असं रद्द कर दें वो कह नहीं नहीं धक्के ना खिलानी रोटी असं कह भी धक्के नहीं बिल्कुल नहीं खानी जिन्ना चर जो देखो ये थोड़ा पहले भी दस के हटे भी ये बहुत सहादत भी होने बहुत भुचाल आने ने जिमें 26 जनवरी वाली घटना हुई होर भी हो सकते हैं कोई ना ने हर हथकंडे वरतने ने पर हथकंडे कोई नहीं चलने हैं आखिर जी सच आ क्यों किसान सारे किसान मजदूर लड़ रहे कल अपने खातर नहीं कोई लड़ रहा जे कहा मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा नहीं ये सारे की लड़ाई है ये जेडे कुर्सी पर जोड़े बैठे ने वो इस टाइम अन्ने बोले ने उन्हें कुछ नहीं वो अगर उन्होंने देखे हूँ देखो यह जहा असी मैं अपने टाइम देखा पहले प्रधानमंत्री आए बहुत जो कोई मूवमेंट होंगी सी तो लोगों ना गल करते होंगे सी ऐसा हंकारी इन्हें तो कई महीने ने गल ही नहीं करी भी किसान क्यों बैठे ने की कर रहे ने ये बात है आखिर जेड़े इतने जिन्हें भी इतने बैठे भाईचारा इन्हों दसा ने वो अकाल पुरख पूरी करूँगा।
ठीक है भी समा लग सकता देर जरूर है पर नेर नहीं कर है और इनू मोदी झुकना पेगा जेडे अडानी अंबानी ने भजन जे हूँ कित भी एडी हालत माड़ी कि असी आजाद बैठे हो तुम बैठे हो जिन्ना मर्जी घट कर लो हूँ कितने चले जाने किसी पिंड या शहर से कोई बन नहीं दूंगा पंजाब भी आले दुआले सारे बैठे रहने बंगलों अपने फोर्सा ला के आजादी का होंगे असं आजाद फिरीए जनता दसीए इन्होंने अपने आप कंडे बीज लेने इसलिए हूँ कित भी पंजाब कोई जलसा नहीं कर सकते लुकते फिरते हैं कह दें चलो बहुत वधिया लगा तुहाडे नाल गल करके ते साडे पिछे नौजवान बैठे भी सिर हिला रहे सी कुछ कह रहे सीगे ते हाँ जी चलो चलते हाँ आपां इधरले पासे हाँ जी सत श्री अकाल जी तुसी की कहना चाहोगे 26 जनवरी तो बाद जो हलूणा आया जां कल दी हुण आपां जिहड़ा हाईवे जाम कीता सीगा उस नूं लैके कल तो देखो सारा शांतमई रहा साडा अंदोलन हरियाणे वाले भी पंजाब वाले भी सारे रल मिल के ते बीबियां भी सारियां हरियाणे दियां भी पंजाब दियां भी सारे ने संजोग नाल साडा शांतमई अंदोलन 6 घंटे तक रहा बहुत शांतपूर्वक रहा सारे रल मिल के संजोग दिता ते शाम तक साडा अंदोलन बहुत वधिया रहा ते उस तो बाद फिर आप फिर इत्थे वापस आ गए असीं तो अगे भी साडा अंदोलन ऐ चल रहा हूँ अगे स्टेजा देखो कि सानू दिंदी है उस हिसाब नाल असीं अगे चलांगे जिदा मैं पहला भी साडे नौजवान गल की सी तो कहिंदे कि हुण जिहड़े आगू हैगे आ हुण चल फिर के आंदे आ जिथे जिथे किसानां दे विच विचरदे आ कि इदां दीआं तुसीं भी कोई मीटिंगां जां इदां दा कुछ उपराले करदे आ जिहड़ियां अपणियां मंगां आ ते किसान आगूआं तक पहुँचा सको असी इत्थे एक बनाया सारे किसान मिल के उत्थे अपनी राय देंदे ने ते उहनूं लिखती रूप च लिखिया जांदा है वी साडी आ मंग आ कि स्टेज नूं पहुँचाई जावे फिर शाम नूं सारे 5 तों लैके 7 बजे तक हुंदा उह सम्मेलन ते सारे उत्थे अपनी राय देंदे आ वी अगे इस तरह मोर्चा अगे वधाया जावे ते जिहड़े नौजवान आ उह खास करके थोड़े विचों निराश रहिंदे ने वी अंदोलन नूं किस तरह तेज़ कीता जावे तो वह फिर सारे अपनी राय लिख के देंगे ने अगे फिर उन्होंने अपने जोड़े जोड़े अंदोलन वाले ने अपने ज 32 जथेबंदियां वो सारिया फिर उन्होंने कोई कोई आ 2-3 आ रहे ने सारे नहीं आ रहे वो भी एक फॉरमैलिटी करके आते सच्चाई तो जाने कि दिलों नहीं आते हैं जाने कि हले अपनी पूरी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे है आते ने एक खानी पूर्ति करके आते ने जाने कि ऐ एक दिलों आने वाला फर्ज बनता भी असी हर रोज़ सवेरे या शाम नू जरूर गेड़ा मारीे 32 चू 10 भी आन हरेक मुश्किलों समझ भी किमें की मुश्किल इतने कल भी एक साडे च बहुत वड्डी कमी सी जद साडा पिछू नौजवान सारे ट्रैक्टर ट्रालियां आने लग पे ना तो साडा ये रूट रोकया गया इतों रात नू 80 स्पीड ते वाहन आउंदे ने ट्राले गड्डियां किसी ने तैनूं पता है हुण दिल्ली है वो थोड़े जे हाई क्लास लोग ने वो गड्डियां भी 80-90 स्पीड ते चलांदे ने उस दे सानू बहुत खतरा वड्डा साडे भी नौजवान कई आ रहा हुंदा कोई बजुर्ग तो सड़क नहीं पा रही हुंदी वो बहुत वड्डा सानू खतरा इस जगह की कर रहे हैं जी इतों ही आउंदे ने फिर वाहन बहुत तेज़ आउंदे आ सानू जिहड़े जिम्मेदार आ बेचारे रात नू थके हुंदे आ कि 100 हुंदा वो जब पार करते हैं बहुत डर हों कित इन्हों कोई होर 2-3 बार चांस हो भी एक साडा हट है जी अपने अगे उ भी पूरा हो नौजवान साडा तो सानू यह भी यदा भी कुछ किया जाए उपराला उन्होंने असं कहना चाहते हैं वो हले आए नहीं साढ़े को चीज़ा जी है आगुआ तक पहुँचाते हैं कि ये उत्ते भी उन्होंने किया जाए अवेयर कि आह कुछ हो रहा है कई बार शायद आ भी वह हूँ महापंचायत जिहड़ियां कर रहे आ उन्हां करके बिजी होण करके इन चीज़ां उन्हां कोल पहुँचदियां नहीं कि इदां दे नौजवान उपराले नहीं कर सकते कि आप अपने जिदा आप कह लिए कि हुण रसोई ढाबे वाला एरिया आ इत्थे एक ग्रुप बनिया जाए कि यह जिहड़ियां आपस विच मीटिंग्स करके जो कमियां हैगियां आ चाहे पुलिस प्रशासन वालों कह लिए जां अपणियां ही आ ते उन्हां नूं जिहड़ा स्टेज तक किसान आगूआं तक पहुँचाया जाए कुछ इदां दा उपराला कर रहे कि नहीं साड़ियाँ बड़िया प्रॉब्लम है जी हूँ साड़ी एक मंदिर च मोटर सी
वो मोटर असी उत्थे इनान पानी करते ही वो हुण कल सड़ गई। सानू अज सवेरे इनान नूं बहुत दिक्कत हुई, असी जाना हुंदा सी दूर जाने फिर किलोमीटर ते उत्थे इनान करके आउंदे आ। इस तरह ही हुण जिवें साढ़े जिहड़े वड्डे अगे बैठे ने जथेबंदियां दे अपने बैठे ने प्रधान, ये उरे आउंदे ने पर ये किसानां दी पीड़ा नूं नहीं समझदे। ये ऐं जांदे ने जिवें बस हाथ ला के ना भज जाना हुंदा। आपां एक महाराज जिवें बाणी च कहिंदे ने मन रे थिर रहो मत कथ जाहि जियो, बाह ढूंढत बहुत दुख पावै घर अमृत कट माहे जियो। महाराज ने पै काहू देतना नह पै मन तान, आपां किसे नूं डर देना नहीं ना किसे दा मनना। हुण तुसीं इत्थे आए हो सहजे 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 बलो मेरे भाई महाराज कहिंदे ये जीवन है आपां नूं सहजे सहजे चलदा है। इको दम तो आप सारा जीवन बतीत नहीं कर देंगे, पानी है पुल हटो सारा तो नहीं लंघ जाता, हौली हौली लंघता ना। अपना जीवन भी इस तरह ही है। हुण तुसीं इत्थे आए हो तुहाडे मगर कोई बंदूक ला के भज रहा है जां कोई घोड़े भजा रहा जां तुहानूं कोई टॉर्च कर रहा भी तुसीं जिम्मेदार आए। भूत तां नहीं असीं हैगे, असीं जिम्मेदार ही हाँ, असीं अपने हक लैण आए हाँ। तुसीं आओ बैठो साडी हर एक नूं पुछो भाई की है गलत किवें आ दसो। आउंदे ने पर कई इस तरह आउंदे ने जिवें हाथ ला के भजना हुंदा, खाना पूर्ती हुंदी है साडी। उरे आओ तुसीं सारे विचरो, एक दो नहीं एक दिन आउंदे, चलो सारे तो नहीं चले गए होर आपां स्टेटां जा रहे आपां अंदोलन कर रहे हाँ, तुसीं जा रहे होर सारे विचर रहे हो टकैत साहब ना, तुसीं जा रहे हो सारे स्टेटां च कर्नाटका जा रहे हो बंगाल जा रहे हो, तुसीं इत्थे आओ सारे दुख तकलीफ समझो उहदी गल सुनो की तकलीफ है। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ 11:15 ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਪੂਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਰਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚਲੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਅਤੇ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਰੁੱਖ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੀਏ? ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਦੋ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੋਰ ਰੋਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਤਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਭੀੜ ਪਏਗੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਦੇਸ਼ ਹਮ ਕੋਲੇ ਆਏ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਾਈ ਹਮ ਦਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮਾਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੀੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇਖੋ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਨਮ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਯੂਪੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਮਗਰ ਦੇਸ਼ ਹਮ ਕੋਲੇ ਆਏ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਾਈ ਹੁਣ ਦੁਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਦ ਵੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੰਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਇੰਨੇ ਲੱਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, 3.5 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਉਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ
प्रशादा बनता फिर वरताया भी जाता जिवें पिंड वाले भी जिवें उन्हां दी संगत आ नहीं पूरी हो जाती जिवें मोने भी ने साढ़े सिख पूरे यानी सिख प्रतख नहीं है जिहड़े है भी ने वो लंगर की सेवा भी करते हैं। चलो साढ़े छोटे बच्चे ही लगते हैं वरतान भी सारी सेवा भावना के अंदर होंगी है हौली हौली फिर साढ़े च शुरू तो ही विचरता रहा यह लंगर प्रशादा तैयार कर लेंगे पर इन्हों वरताना नहीं होंगे हूँ साढ़े वाल वेख के भी उवें लग गए सारे हरियाणे वाले विचरन उवें सेवा भावना इन्होंने अंदर उवें जाग गई हूँ लस्सी लिया देखो असं सारा रात तक पीने तो असं इन्हों का भी नहीं दे सकते तो हूँ जिहड़ा तुसीं मोर्चा कह रहे हो इस नूं तां अगे हूँ नौजवान साढ़े बिल्कुल तैयार बैठे ने वो तो आने कोई अगला सानू प्रोग्राम दो असी आ जाने इस करके संगत घट आ रही है साड़ी पंजाब तो जाने कि कोई प्रोग्राम दे असी फिर आने। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा बहुत वधिया लगा गल करके ते कैमरा घुमा के मैं कैमरामैन कहूँगी तो जिहड़े साढ़े नाल हुण नवे नौजवान जुड़े आ उन्हां दे चेहरे भी दिखा दो क्योंकि नौजवान जिहड़े हैगे आ चलो पंजाब वापस भी जा चुके आ बट फिर भी बहुत हद तक साढ़े नौजवान इस किसान संघर्ष के इत्थे आपां कह लईए मोर्चियां दे उत्ते डटे हुए आ ते चलदे आ इस आलीशान महल दे विच ते करवानियां थानू इन्हां दी सैर क्योंकि साढ़े नौजवान दे चेहरे उत्ते बहुत वड्डी मुस्कान आ ते देखदे आ इन्हां दे अंदर जिहड़ा खूबसूरत बनाया होया अज आलीशान बंगला आपां कह लईए ते देखदे आ उहदे विच वाह जी वाह कोई गल नहीं चेहरा जिथे पईआं रहण दो क्योंकि शुरुआत आ दो देख लो दोस्तों बहुत ही वधिया खूबसूरत एक कमरा बनाया गया आ ठंड तो कढ ली आ सारी तो गर्मी भी राहत तो आह चीज़ा पहला पिंडां च आम देखण नूं मिलदियां हुंदियां सीगियां बट हुण इस संघर्ष दे विच देखणियां शुरू हो गई आ क्यों कि उही विरसा जिहड़ा साडा असीं इन्हां चीज़ां तो विसर चुके सीगे बाहरले मुल्कां दे मगर अलग अलग वड्डी वड्डियां कोठियां असीं पा लईआं सीगियां ते हुण आह जिहड़ा विरसा वापस मैनूं लगदा कि नौजवान इह चीज़ां जिहड़ियां तो उत्थों संघर्ष नूं जित के जित पा के ते वापस जाणगे ते इह चीज़ां जिहड़ियां अपने पिंड विच जरूर लिजा के स्थापित करनगे क्योंकि इह मैनूं लगदा कि इहनां दे इक लाइफ दा पार्ट दा हिस्सा बन चुके आ। ये चीज़ नूं इत्थे छड्ड के जावांगे तां कि सानूं भी याद रहे जदों कितें इधर गेड़ा बजे तो इत्थे दे लोकां नूं भी याद रहे भी किसी ने इत्थे किसानां ने एड्डा वड्डा संघर्ष विढ़िया सी ते आपदियां रहायशां तक इत्थे बना लईआं सीगियां जी। वाह जी वाह जी बहुत ही खूबसूरत गल कीती इन्हां ने कि इह चीज़ जिहड़ी आ असीं इक संघर्ष दा हिस्सा एक हिस्टरी जिहड़ी हैगी आ इहनूं इत्थे छड्ड के जावांगे लोकी आया करनगे देखिया करनगे कि इत्थे जिहड़े सीगे किसान इस आलीशान महल दे विच रहिंदे हुंदे सीगे आह चीज़ा जिहड़ियां आ बहुत वधिया क्योंकि एक हिस्टरी जो क्रिएट कर दी हिस्टरी का जिदा आप कह लिए निशान चिन्ह जिहड़े है पिछे रखने रहने जरूरी आ। लास्ट की कहना चाहोगे तुसी? लास्ट यही है जी परमात्मा कृपा करे सारे का सानू इवें सहयोग मिलता रहे एक नवी हिस्टरी लिख के जावे परमात्मा सानू बल बख्शे भी वह हिस्टरी लिखण दे विच साडा भी किसी ना किसी रूप दे विच तिनका मात्र हिस्सा पवा लवे। वाहिगुरू थैंक यू सो मच जी बहुत वधिया लगा गल करके ते दोस्तों इदां ही देखते रहो वॉइस ऑफ पंजाब ते इदां दियां जिहड़ियां तुहाडे नाल तस्वीरां जिहड़ियां स्पैशली हुण समर या समर दे टाइम ते जो इदां दे उपराले जिहड़े हैगे किसान वीरां वल्लों किसान नौजवानां वल्लों कीते जा रहे आ ते करांगे होर भी शेयर तद तक देखते रहो वॉइस ऑफ पंजाब मैनूं देवो इजाजत सत श्री अकाल दोस्तों।